जय श्री राम। पहुंच चुके हैं हम लोग अयोध्या और प्रभु श्री राम का दर्शन करके शुरू करने जा रहे हैं माई फिल्म की शूटिंग। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, सब लोग आशीर्वाद देंगे तो एक अच्छी बेहतरीन फिल्म बना पाएंगे हम लोग। और ये देखिए माई फिल्म की हीरोइन आम्रपाली दुबे जी। जय श्री राम। बहुत अच्छे दर्शन किए हम लोगों ने अभी सुबह सुबह हनुमानगढ़ी में, बहुत मजा आया। और आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। भगवान गणपति आप सबके घरों में यश समृद्धि लाएं, यही कामना करती हूं मैं। बहुत अच्छा फिल्टर है। मेरे तरफ से भी आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सब पे कृपा बनाए रखें, हम सब पे कृपा बनाए रखें। और आज गणेश चतुर्थी के दिन फिल्म की शुरुआत हुई है और बड़ी उम्मीद के साथ और एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ हम लोगों ने ये फिल्म बनाने के बारे में सोचा था कि माई फिल्म हम ऐसी फिल्म बनाएंगे कि उस फिल्म को देखने के बाद हर भोजपुरी भाषी को गर्व होगा कि ये हमारे भोजपुरी का सिनेमा है। और इसके लिए मुझे इससे बेहतरीन टाइटल नहीं मिल सकता था। और एक ये भी मैं बता सकता हूँ आप लोगों को कि जब मैं मुंबई आया था तभी मैंने ये टाइटल रजिस्टर्ड करा लिया था माई की, जिस दिन भी मैं इस लायक हो जाऊँगा कि मैं फिल्में बना सकूँ तो मैं माई फिल्म बनाऊँगा। और ये फिल्म हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं, आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए। माई द प्राइड ऑफ भोजपुरी। और आप लोगों को गर्व महसूस होगा कि हाँ हमारे भोजपुरी में ऐसी फिल्म बन रही है। और दुनिया में आप जहाँ कहीं भी रहेंगे अगर आप भोजपुरी भाषा जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं तो आप ये फिल्म देख के खुश हो जाएंगे, आपको गर्व होगा। आम्रपाली जी कुछ बताइए फिल्म के बारे में। जी सबसे पहले तो अभी जो हम लोग का दर्शन हुआ उसकी एक फोटो पोस्ट करने जा रही हूँ, पहले आप लोग यही देख लीजिए, अच्छी है ना फोटो। हाँ बहुत अच्छा। फिल्म के बारे में मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि जेन्युइनली जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं वो है ये फिल्म हम सबके लिए। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत ज़्यादा डेज ऑफ मेकिंग लगने वाले इस फिल्म में, बहुत ज़्यादा एनर्जी हम सबकी लगने वाली है। बट हम सब लोग इतने पॉजिटिव हैं इस स्क्रिप्ट को लेके, इतने एक्साइटेड हैं इस स्क्रिप्ट को लेके कि आज पूरे जोर शोर से हनुमान जी गणपति जी सबकी पूजा करके शुरू किया है हमने। और बस आप लोगों से इतना ही चाहते हैं कि आप लोग अपनी प्रेयर्स में हम सबको रखें और हम सब लोग एक अच्छी फिल्म बना सकें, ये चाहते कि आप लोग प्रे करें। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए बस, बाकी तो मेहनत करने के लिए तो हम सब रेडी हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद भी मिल जाएगा साथ में तो हमारी थोड़ी सी भी मेहनत बहुत ज्यादा रंग लाएगी। तो यही रिक्वेस्ट है आप सबसे फिल्म को लेके। और हर बार मैं जहां भी जाता था, चाहे वो मीडिया में चाहे कहीं भी, तो हर कोई एक ही सवाल हमेशा यही करते थे कि भोजपुरी की फिल्में क्यों नहीं सुधर रही है, नहीं सुधर रही है। तो हम लोग भी यही बोलते थे कि ठीक है,
अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जला लें। तो माई फिल्म एक दीप की तरह होगी भोजपुरी सिनेमा के लिए, और मैं बहुत दिल से आभारी हूँ मेरे भाई, छोटे भाई निशांत उज्ज्वल जी का, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि ये फिल्म वो बनाएंगे। और रजनीश मिश्रा जी, जब हमने उनको 2-3 साल पहले अप्रोच किया था इस मूवी के लिए कि ये फिल्म करनी है, तो रजनीश भैया ने भी बड़ी मेहनत किया और 2 साल से उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया, और फाइनली अब हम अयोध्या आ गए स्क्रिप्ट लेकर के फिल्म शूट करने के लिए। तो रजनीश मिश्रा जी जो बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं, भोजपुरी कल्चर की बहुत अच्छी समझ है उन्हें और हमारे भाषा का अच्छा ज्ञान है उन्हें, हमारे भोजपुरी संस्कार अच्छे से पता है उनको, जितनी भी फिल्में वो बनाते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि वो भोजपुरी कल्चर को कितना बारीकी से समझते हैं। तो इसलिए ही हम लोगों ने उनको ही चुना था कि रजनीश जी ही इस फिल्म के साथ न्याय कर पाएंगे। और मेरा निशांत उज्ज्वल, मेरा छोटा भाई, वो तो एकदम एक्साइटेड हैं, और उन्होंने कहा कि ना भैया ये तो हम ही बनाएंगे। हम बोले ठीक है चलिए बनाइए। और साथ में हम लोग के जुड़े हैं अनंजय रघुराज जी, जिनको आप सब जानते हैं कि बहुत सारी अच्छी फिल्में आप लोगों के लिए बना चुके हैं, तो वो भी इसमें हम लोगों के साथ में हैं। तो एकदम दिल में बहुत एकदम उमंग है और लग रहा है कि कुछ अलग करने जा रहे हैं, अच्छा करने जा रहे हैं। तो प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहेगी हम सब पे, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और अब हम लोग आज से लग जाएंगे माई फिल्म की शूटिंग में, और चलते चलते आप सभी को जय श्री राम।